हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे ऐसी बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे जो आप जिस भी चीज़ के साथ खाएंगे वही वाला बिरयानी बन जाएगा। आप अगर आलू उबाल के डाल देंगे फ्राई करके तो आलू बिरयानी, अंडा उबाल के डाल देंगे फ्राई करके तो वो अंडा बिरयानी बन जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है प्याज, देखिए बारीक काट करके प्याज ले लिया है, और हमने यहाँ पर ले लिया है बासमती राइस। बासमती राइस को हमने उबाल करके ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, और इसमें हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, और जायफल को हमने ग्रेट करके ले लिया है, डाल देंगे। तो मसाले हमारे थोड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हम थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे, जैसे बरिस्ता होता है उस तरह से लाल लाल फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगे किसी भी चीज़ के साथ, अब अगर पनीर फ्राई करके डाल देते हैं तो ये पनीर बिरयानी बन जाएगा। अब एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। तो प्याज को हम लाल लाल भून लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज हमारे अच्छे लाल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, और इसे प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब हम इसमें कुछ खड़े सूखे मसाले ऐड करेंगे। डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और डालेंगे थोड़ा नमक, क्योंकि चावल को उबलते समय हमने नमक डाला हुआ है, तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसमें अब डालेंगे ये बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला जो मार्केट में मिल जाता है, मिला लेंगे अच्छे से, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा चीनी। तो फ्रेंड्स, सारे चीज़ें हमने डाल दिया है और अच्छे से फ्राई भी कर लिया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चावल हमने डाल दिया है, और इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारा चावल इसमें डाल दिया है, और इसे धीरे धीरे मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी 2 चम्मच 3 चम्मच हम इसमें घी डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जल डाल दिया है, और डालेंगे इसमें केवड़ा वाटर। तो इसमें 2 चम्मच हमने केवड़ा वाटर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी हमारा बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी आप अपने घर में बनाएं ज़रूर से, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे बना है, और हमारा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। किसी भी चीज़ के साथ ये आप खा सकते हैं, अंडा, आलू, पनीर, किसी भी चीज़ के साथ ये आप खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।